आज का क्वेश्चन देखिए क्या क्या रहा है। आमतौर से एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, वो वनीला टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। क्या क्या रहा क्वेश्चन यहां पर गौर से देखिएगा। ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म परचेज्ड ऑन 1st January 1996 सर्टेन मशीनरी फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1st January 1996 को। ऑन 1st July इन द सेम ईयर एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज एक्वायर्ड। एक और मशीन आपने 1st July को खरीद ली। कब ये खरीदी आपने? उसी साल की 1st July को। मैंने पहले बताया था डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा तारीखों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 1996 और उसके बाद आपने कब खरीद लिया? 1st July को। और उसके बाद 1st July 1998 को आपने इस मशीन को बेच दिया। चलिए पहले इतना काम तो कर लिया जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले मशीनरी अकाउंट के लिए लाइनें ड्रॉ करते हैं। ये कोई लाइन है, हद होती है। फिर से कोशिश करेंगे। हाँ, इस बार कुछ सीधी है। अरे वाह, क्या बात है, काफी सीधी है। सीख जाऊंगा धीरे धीरे। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, 1st January 1996 को 2 लाख रुपए की मशीनरी आपने परचेज कर ली। चलिए सब मशीनरी परचेज कर लेते हैं। कब है? 1/1/96 को आपने मशीनरी परचेज की। टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए लीजिए सर। 1st July को आपने 1 लाख रुपए की मशीन दी और खरीद ली। लीजिए सर, हमें क्या फर्क पड़ता है? टू बैंक, फिर से आपने एक मशीन दी खरीद ली 1 लाख रुपए की। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए 31 दिसंबर को आपने बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st December एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, यानी कि ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है, इसके ऊपर कितना? 10% लेने की बात कर रहा है। ठीक है, दे देते। बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए पर 10% की दर से अमाउंट हुई कितनी? 20,000 कैसे लिखेंगे? 20,000। और इस 1 लाख रुपए पर 10% की दर से पूरे साल भर का हुआ कितना? 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन। लेकिन हम खरीद के कब लाए हैं? 1st July को, यानी कि 6 महीने का। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000 रुपए, यानी कि 25,000 रुपया। लीजिए कितना आसान डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। अगर डेट्स का ध्यान रखा जाए तो सबसे आसान सवाल होता है ये। 3 लाख में से 25,000 रुपए कटा दिए, आपके पास बचे कितने? 2,75,000 रुपया।
2,75,000 रुपये, और 31 दिसंबर को ही आपने कहा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और 1/1/97 को आपने कहा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,75,000। 97 में देखिए गौर से, कुछ नहीं किया, जो भी कर रहा है कब कर रहा है, 1998 में, ये एक, ये 1999 नहीं था, ये 1998 है। क्वेश्चन अभी गड़बड़ कर देता, टाइपिंग मिस्टेक्स में बहुत कर देता हूँ। पहले हाँ, 97 में 2,75,000 रुपए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है, मींस 20,000 रुपए, ये जो पहले वाली मशीन थी, और 1,00,000 रुपए जो दूसरी वाली मशीन थी, 10,000 रुपए, 10% लगना है, ओरिजिनल पे ही लगना है, सोचने वाली कोई जरूरत ही नहीं रह गई। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 30,000। वाह, कितना आसान हुआ, हमने 2,75,000 रुपया और इसको लिया 2,75,000 रुपया में से इसको किया, तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस आपके पास कितना बच गया, 2,45,000 रुपये, 2,45,000 रुपये। आगे आपका पहली पहली 98, टू बैलेंस 2,45,000, 2,45,000 रुपये इन 1998। ओहो, मैं क्या कर देता हूं, क्वेश्चन कहां पर होता है, ध्यान कहां पे चला जाता है, ये रहा। ऑन 1 जुलाई 1998 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जैन 1996 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट वाज ऑक्शंड फॉर ₹80,000। 1998 को आपने 96 वाली मशीन को 80,000 रुपए में बेच दिया, तो सबसे पहला काम तो क्या कर दो भाई, इस मशीन को बेच दो। 1 जुलाई को बाई बैंक आपने 80,000 रुपए की मशीन बेच दी, पहला काम। अब इसके बाद आपको यह तय करना है इस मशीन को बेच करके हमको फायदा हुआ या नुकसान, कैसे पता चलेगा, लीजिए वर्किंग सम यहां पर कर लेते हैं। वर्किंग्स क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। 2,00,000 रुपए वाली मशीन बेची है हमने, अगर हमने 2,00,000 वाली मशीन बेची तो 1/1/96 को मशीन थी आपकी कितनी, 2,00,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 रुपए, यानी कि मशीन बची आपके पास कितनी, 1,80,000 रुपए की डेप्रिसिएशन। ये 1,80,000 किस तारीख को है, 1/1/97 को। फिर से आपने डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए क्यों लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते चल रहे हैं, यानी कि मशीन की कीमत कितनी हो गई, 1,60,000 रुपए, और वो भी कब, 1/1/98 को। मशीन कब बेची हमने, 1 जुलाई को, यानी कि डेप्रिसिएशन अप टू 1/7/1 जुलाई तक का 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए कहां से आ गए भाई, सारे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना, 10,000 रुपए। ये चीज क्लियर हो जाती है हमारी, बोलो भाई हाँ है ना। तो बाकी मशीन कितने की बची है हमारे पास, 1 जुलाई को हमारी मशीन कितने की है, 1,60,000 में से 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया है। इस चीज को अब हम यहां पर एंटर कर देंगे, देखिए ध्यान से देखिए,
by depreciation on by depreciation on sold machine by depreciation on sold machine कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। बोलो भाई हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो प्रॉब्लम, ओके। अब सवाल इस बात का हुआ, इस मशीन को बेच करके आपको कुछ नुकसान हुआ बाय पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट कितने रुपए का नुकसान हुआ? 70,000 रुपए का। ये 70,000 रुपए कैसे आए? भाई सीधी सी बात है, हमारी मशीन कितने की रह गई थी? 150,000 रुपए की। 160 में से 10 की घट गई, 150 की मशीन रह गई। इस 150,000 रुपए की मशीन को आपने 80,000 रुपए में बेच दिया, कितना रुपए का नुकसान हुआ? 70,000 रुपए। बड़ा सिंपल, क्लियर हो जाती बात हमारी। वापस आते हैं, मैं अपनी लाइनों को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। ये लीजिए, बाय पीएनएल 70,000 रुपए, बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स, रिमेनिंग मशीन जो रह गई है, कौन कौन सी मशीनें रह गई हैं? एक तो ये 1,00,000 रुपए वाली मशीन रह गई, और एक मशीन जो हमने अभी और खरीदी। कौन सी खरीदी? देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, ए फ्रेश मशीनरी वाज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000। 1,50,000 रुपए की आपने एक मशीन और खरीद ली, 1,50,000। और ये कब खरीदी आपने? 1 जुलाई को। यानी कि दो मशीनें रह गई आपके पास। कौन कौन सी दो मशीनें? 1,50,000 रुपए की एक ये मशीन, कौन सी? ये वाली, और 1,00,000 रुपए वाली ये वाली मशीन। इस मशीन को तो हमने बेच दिया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 रुपए ओरिजिनल मशीन जो पहली तारीख या 96 में खरीदी थी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। और 1,50,000 रुपए की इधर से मशीन पर 7,500 रुपए का डेप्रिसिएशन, और यानी कि टोटल 17,500 रुपए का डेप्रिसिएशन। 7,500 कैसे आया? 1,50,000 रुपए का 10%, 1,50,000 रुपए का 10%, यानी कि कितना हो गया? 15,000 रुपए सारे साल भर का। तो 6 महीने का कितना? 7,500 रुपया, 17,500 रुपए लीजिए। 31, ये कब हुआ है आपका? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को ही हम बाय बैलेंस करेंगे। चलिए टोटल लगाते हैं, टोटल कितना आया? 3,95,000, 3,95,000। 3,95,000 रुपए में से इस सब को जब हम माइनस कर देंगे तो अमाउंट विल बी 2,17,500, 2,17,500 रुपए। 1,1,1999 टू बैलेंस 2,17,500। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, मशीनें जो भी खरीदी थी उसको हमने बेच दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन को अभी चैन नहीं पड़ा है। क्वेश्चन ने क्या कहा, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इन 1999। हाउ The firm changed this method to one of writing off 15% per annum. लीजिए यहां पर मेथड ही चेंज कर दिया। 98 तक यहां तक कौन सा चल रहा था? स्ट्रेट लाइन। अब 99 से क्या चलेगा? आपका रिटन डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन
2,17,500 रुपए की आपके पास मशीन थी, जिस पर 15% की दर से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, एंड अमाउंट इज 32,625, 32,625 रुपए। ये लीजिए, मेथड चेंज करने से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? तुम्हें जो करना है करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये लीजिए, फिर से 31 दिसंबर बाय बैलेंस 217,500, 217,500 में से 32,625 रुपए माइनस किए, बैलेंस इज 1,84,875, 1,84,875 रुपए। 1,12,000 टू बैलेंस। हम यहां से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, मे फ्रॉम 96 टू 2000, 2000 तक आएगी। इसका मतलब 1,84,875, 1,84,875 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन, यही 1,84,875 into 15% अमाउंट कितनी हो गई? 27,731 बाय बैलेंस। निकालते हैं भाई, 1,84,875, 1,84,875, 1,84,875 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 1,57,144, 1,57,144 रुपए। बोलिए भाई, बात क्लियर होती है? यहाँ पे आपके पास बैलेंस निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हुआ कि हमारा बैलेंस कितना? 1,57,800। ये ठीक हो गया। अब बात करते हैं ऊपर से, जा देखिए, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में भले ही कुछ भी कहता रहे, हमें मेथड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा यहां पर, तो अभी जो क्वेश्चन हमने किया इसमें एक साथ दो चीजें आई। कौन कौन सी दो चीजें आई? हमने मशीनरी को बेचा, नंबर एक। नंबर दो, हमने चेंज ऑफ मेथड किया। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो डिफरेंस, फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा? हमारी कैलकुलेशन पर। कभी 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 ये जो डेप्रिसिएशन का रेट, ये बैक डेट से चेंज करा देता है। अगर ऐसा करा देता है तो उसको कैसे करेंगे? जब भी मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें सेल भी हो जाए और चेंज ऑफ मेथड भी। आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।